तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड आई एम हियर विथ अ न्यू वीडियो। तो आज मैंने सोचा बड़ी वीडियो बनाऊं। सो बहुत डोप था तो मैंने गमछा ले लिया था और गमछा काफ़ी फैंटास्टिक लग रहा था। ओ भाई, फिर यहाँ पे मेरी एक मित्राइन थी और मैं अपनी मित्राइन के साथ जा रहा था कॉलेज। और कॉलेज में आज वैसे कुछ खास नहीं था, बट कुछ कुछ काम था और मैंने वहीं पे सेल्फ स्टडी करने की सोची। तो मैंने स्लॉट जो पहला लिया तो वो दोपहर का लिया और मेरे पास टाइम भी बहुत सारा कम था और मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा था। तो टाइम कम और काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत ही, मतलब क्या बोल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल बनाना पड़ा। बट ठीक है, ओके, कभी कभी चलता है। सो यहाँ पे मैं पहले से, तो यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी तो मैं उसके बाद यहाँ से कैंटीन की तरफ जा रहा था खाने के लिए। बट पता नहीं आज कैंटीन खुला होगा या नहीं, बट हम लोग फिर भी रिस्क लेके गए कैंटीन में कुछ खाने के लिए। और भूख तो बहुत तेज़ी से लगा था लेकिन होप सो कुछ पता नहीं खुला होगा या ना। तो अपनी मित्राइन के साथ मैं इसके साथ डिस्कस करते हुए जा रहा था। और यहाँ पे जो है खुफिया रास्ता है कॉलेज के पीछे, उस खुफिया रास्ता से हम लोग गए और यहाँ आने के बाद हमारा बैड लक था और कैंटीन खुला था, ऐसा नहीं था, बट वहाँ पे सिर्फ चाय था क्योंकि कुक नहीं थे वहाँ पे, तो सिर्फ चाय बन रहा था। तो फिर मैंने इन आंटी के पास आके समोसा खाया और आइसक्रीम खाया। आंटी बहुत ही मतलब धूप में यहाँ पे बना रही है समोसा और कचौड़ियाँ और सब्जी बेच रही हैं, बट बहुत ही ज़्यादा धूप था तो मुझे बहुत ही वो लग रहा था कि यार मतलब कितना मेहनत करते हैं लोग, बट हम लोग से पढ़ा नहीं जा रहा है। और मतलब यहाँ पे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेके, हम स्टूडेंट्स हैं तो हमको पढ़ना चाहिए, बट कोई नहीं थोड़ा सा अपने आप पर बेइज्जती सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद ये वाली जो सब्ज़ी है ना, जो इस पर ये मतलब डाल रही है, ये वाला सब्ज़ी बहुत टेस्टी रहता है। अभी आपको हो सके दिखे है कि हाथ पानी जाता है सब्ज़ी में, बट कोई नहीं, चलता है। इतने कम रेट में मतलब इतना कुछ देना बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली ये जो समोसा है, ये दो समोसा चाट बना के 15 रुपये में मतलब मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा रेट है, तो मैंने ये ले लिया और मैं यहाँ पे मस्त समोसा खा रहा हूँ, समोसा चाट। और आपको पता है जो ये मतलब समोसा चाट है, इस पे जब ओनियन स्प्रिंकल करके और मतलब कुछ छोटा सा वो मसाला का मिक्सचर रखती हैं वो डाल देती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और भूख तो काफ़ी ज़ोर से लगा था तो मैंने यहाँ पे एकदम फटाफट से खा लिया और मुझे तो शर्म भी नहीं आ रही है और यहाँ पे मैंने उसके बाद आइसक्रीम लिया क्योंकि बहुत गर्मी था और समोसा खाने के बाद तो आइसक्रीम नीडेड था। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जा रहा था ना, बहुत गर्मी था, मेरे फेस पे पसीना देख सकते हो। और लाइब्रेरी जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा धूप था तो मतलब बहुत ही ख़राब भी लग रहा था कि मैंने अम्ब्रेला नहीं लिया। और यहाँ पे जो था मैंने मिरिंडा लिया था और मिरिंडा पी के मैं यहाँ पे अपना स्टडी स्लॉट 2 मतलब स्टार्ट किया केमिस्ट्री का। और जो केमिस्ट्री का स्टडी स्लॉट 2 था ना, मतलब ये मेरे लिए इजी लग रहा था मुझे, क्योंकि इसमें मेरा माइंड ना एक्टिव था इस समय पे। मिरिंडा पी के पता नहीं मेरे माइंड को क्या हुआ कि मैं एक्टिव हो गया पूरी तरीके से। और यहाँ पे मैं मतलब जब केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा था तो मेरा माइंड काफ़ी फ्रेश था, तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, बट कोई नहीं, स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे मैं अपनी बायोकेमिस्ट्री के फिर से कुछ बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स थे तो वो मैंने सॉल्व किया, मतलब थर्मोडाइनमिक्स के, बायो एनर्जेटिक्स के, और कुछ कुछ मैंने बायोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल थ्योरीज वगैरह रिवाइज़ किए और लेक्चर कम्प्लीट किया अपना। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब लग रहा था तो यहाँ पे मेरा स्टडी स्लॉट 3 स्टार्ट हो गया था बायोकेमिस्ट्री का। सो ये वाला मतलब यहाँ पे लिखा तो है नो बैड वाइब्स, बट मुझे बायोकेमिस्ट्री के मतलब ये इक्वेशंस वगैरह और अमाइनो एसिड्स के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर वगैरह देख के लग रहा था कि बैड वाइब्स ही है भाई। और उसके बाद मैंने एक मतलब छोटा सा स्नैक्स इंजॉय किया जिसमें मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट खाया। एक्चुअली ये वाली बिस्किट है ना 5 में मिलती है तो मुझे वर्थ इट लगता है, और इसका टेस्ट भी है ना कुकीज़ की तरह मतलब लग रहा था और चॉकलेट फ्लेवर था तो मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप की रिविजन कर रहा था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे स्लॉट 4 मैंने फोटोसिंथेसिस के लेक्चर लगाए। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस में तो आपको पता है कितना ज़्यादा हैक्टिक वो है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन,
इतना सारा पाथवे है, मेरा तो दिमाग पूरा का पूरा चौपा हो गया। मतलब इस सेशन में, जो लास्ट सेशन है ना, इसमें आते आते ना मेरा दिमाग एकदम लग रहा था ना कि ब्रस्ट हो जाएगा पूरा। और मतलब लग रहा था कि अब पता नहीं कब मुझे नींद आ जाएगी। सारे बच्चे इधर उधर के बगल अगल के चले गए थे और मैं रात में बैठा होता अकेले। मुझे लग रहा था कोई प्लीज़ मुझे खाना ला कर दे दे, पहले बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। यहाँ पे मैंने फाइनली ख़त्म किया और मैं सब क्लोज़ किया और अपने बुक कॉपी को अपने मतलब अरेंज किया और टैब वैब, मेरा फ़ोन लो हो गया था तो मैंने पहले टैब वैब रख लिया, थोड़ी देर फ़ोन चार्ज कर लिया बैठ के, और फिर यहाँ पे बैग पैकिंग कर रहा हूँ मैं। सो बैग मैं अरेंज्ड वे में मैं डालता हूँ, क्योंकि टैब है ना, फिर टैब अगर टूट वूट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। ऐसे भी गरीबी की हालत बहुत है, बहुत ज़्यादा अभी बढ़ी हुई है। सो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर टैब जमा लिया, नीचे में कॉपी और जो हाइलाइटर्स वगैरह थे वो मैं ऐसे ही उसके ऊपर वाले चैन में डाल दिया, हाइलाइटर वगैरह और पेन वगैरह, और जो चार्जर था ना, चार्जर भी मैंने उसी में डाल दिया वापस से, और बाकी सब चीज़ें तो ठीक थी। उसके बाद मैंने मतलब जब इसे उठाने की कोशिश किया, अब मुझे पता नहीं क्यों भारी लग रहा था, आते वक्त तो भारी नहीं लग रहा था बट अब जाते वक्त भारी लग रहा है। फिर मैंने मार्केट से यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी के सामान ले लिए, और मैं दूध नहीं लेता क्योंकि दूध फट जाता, तो मैंने दूध पाउडर ले लिया कि जब कि चाय पीने का मन करेगा तो मैं पी लूँगा। उसके बाद यहाँ पे अंधेरी सुनसान गली भाई साहब, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्नैक्स शाम में बना रहा था। मतलब लाइब्रेरी से मैं 9 बजे आया तो मुझे मतलब भूख लग गया था, तो मैंने यहाँ पे प्याज को छोटे छोटे ही हो, आज तो मैं मास्टर शेफ बन गया हूँ एकदम। आप देख सकते हो कितनी पतली प्याज मेरे से कटी भाई साहब, और ना ये बहुत ही ज़्यादा पतला कटा, मतलब ऐसा मेरे से लिटरली कटता नहीं है बट कट गया इस बार। मतलब मेरा नहीं कटा, मतलब मेरा प्याज कट गया। और प्याज की मतलब मैं इतना काट के, और ये मेरे छोटू कढ़ाई में, ये छोटू कढ़ाई मेरी फेवरेट है, मैं नाश्ता भी इसी में करता हूँ। और इसमें मैंने चिप्स मिक्सचर और ये सब मिला के उसके ऊपर से ना प्याज स्प्रिंकल कर दिया।